हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशांत एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इज़ ऑसम। तो आपके सामने आप प्लान देख सकते हैं। इसका साइज़ जो है 25 फीट 6 इंच बाई 25 फीट 6 इंच। ये जो है स्क्वायर स्क्वायर प्लॉट है एंड ये जो कंसिस्ट करता है 2 BHK। इट्स अ डुप्लेक्स हाउस और यू कैन से इट एज ए सेपरेट फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, ओनली फॉर अ सिंगल फैमिली पर्पज़ है। और इसे जो है आप सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी जैसा उन्होंने चाहे उस तरफ से बनाया। इसे मैं एक अपने क्लाइंट के लिए बनाया था जिनका नाम है अजय सिंह, जो है मध्य प्रदेश के थे। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये डिटेल दिखा देता हूँ विथ कंप्लीट डिटेल्स, डायमेंशंस और हैंड्स। पूरा कंप्लीट देखने से पहले आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। इसके अंदर देखिए आपको कॉलम्स भी कितना mm का आता है, कॉलम्स और उसके अंदर कितना रेनफोर्समेंट डालना चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप ठीक से समझ पाए एंड ओके आई थिंक आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। और ये जो है फर्स्ट फ्लोर का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट आता है इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट है, यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस। और ये दीवार यहाँ पे मत दीजिए, डायरेक्ट बाहर से भी आप दे सकते हैं ताकि वो डुप्लेक्स हो जाए। और दो ऑप्शन है, आप दीवार यहाँ पे भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे थोड़ा खुला जगह रखे यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ इसको ये दीवार को आप हटा दीजिए, इसको काट कर दीजिए। ओके, ये दीवार जो है आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए इधर पूरा कंप्लीट, ताकि आपका घर जो है ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा और कंप्लीट इंटीरियर भी ज़्यादा, आपका हॉल भी बड़ा हो जाएगा एंड डुप्लेक्स भी बन पाएगा। एंड ये जो है 5 फीट का है, यानी कि सॉरी आप ये दीवार हटाने के बाद जो है इतना बनेगा आपका। सो यहाँ से जो है एंटर होते हैं हॉल के अंदर, हॉल का साइज़ जो है 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट का है। नेक्स्ट जो है टॉयलेट एंड बाथ, यहाँ पे जो है ड्रेसिंग या फिर वॉशिंग मशीन रखने के लिए और वॉश बेसिन रखने के लिए यहाँ पे जगह है, ताकि कोई भी गेस्ट आ सके बोले तो यहाँ थोड़ा फेस वॉश कर ले, उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पे जो है टॉयलेट एंड बाथ कम्बाइंड है एंड यहाँ से एंटर होते हैं अंदर, यहाँ पे जो है किचन है एंड पूजा रूम है। पूजा रूम का साइज़ जो है 3x4 का, किचन का साइज़ जो है 10x8 फीट 6 इंच का। प्लस यहाँ पे जो है एक शॉप है, शॉप का साइज़ जो है 8 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 3 इंच का। एंड यहाँ पे देखिए आपको किचन के अंदर जो है एक डक्ट बोल को दिया हूँ मैं, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट जो है ओपन एरिया रहेगा, ताकि इसका जो भी वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए ये बनाया सो है, जो भी स्मेल रहता है ना उसके वो जाने के लिए यहाँ पे जगह दिया हूँ। और यहाँ पे किचन का या फिर कुछ भी स्टोरेज के लिए जगह भी बनाया हूँ 12x4 फीट का, यहाँ पे जो है स्टोरेज। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसका अगला फ्लोर के लिए। नेक्स्ट फ्लोर में देखिए यहाँ पे यहाँ से जो सीढ़ी से जो है एंटर होते पूरा इतना जो है ओपन एरिया मिलेगा। एक जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 8 फीट 3 इंच x 3 फीट 6 इंच का कॉमन जो बाहर रहेगा, प्लस एक अटैच्ड बेडरूम, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे जो है एक अटैच्ड बेडरूम है एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो है एक बेडरूम भी है 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट का। एंड यहाँ पे जो है एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ जो बेडरूम को रहेगा। तो ये तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया। और कॉलम्स देखिए इसके अंदर आप 9 कॉलम डाल दीजिए या फिर 9 कॉलम डाल दीजिए इसके अंदर, 9x15 इंच का। मैं अभी प्लान बताया था, अब आते हैं इसका कंप्लीट फुटिंग डिज़ाइन कैसा रहेगा। ये जो है 4x5 का आपका कंप्लीट फुटिंग एरिया। आप क्या करिए, चार बाय पाँच का आप एक्सकेवेट कर दीजिए। एक्सकेवेट करने के बाद जो है 3 इंच 3 इंच गैप छोड़ने के बाद जो भी वो सरिया रॉड्स जो भी रहेगा इसके अंदर भर दीजिए। और इसके अंदर आप यूज़ करिए 6 इंच का फ्रॉम सेंटर टू सेंटर 10 mm बार यूज़ करिए। प्लस नेक्स्ट जो है ये टॉप व्यू ऑफ द रेनफोर्समेंट कॉलम,
फोर नंबर ऑफ 16 मत यूज़ करिए, 12 mm का यूज़ करिए, ये बीच में दो है वो 16 mm का यूज़ करिए, 9/15 का, और गैप जो है कवरिंग आप दीजिए, आप 35 mm या फिर 25 mm भी दे सकते हैं, 1 inch या फिर 1/2 inch, एंड ये जो है उसका फ्रंट रेनफोर्समेंट सेक्शन का सेक्शन 8 mm, स्टिरअप सेट 7 inch सेंटर टू सेंटर, नीचे जो है 12 inch आप रख दीजिए 18 के बदले। एंड नेक्स्ट है इसका पीसीसी बेड, प्लेन कंक्रीट बेड, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड, एंड ये इसके अंदर M20 ग्रेड यूज़ करिए, पर